बालाजी, आपने इस कूटनीति से शाहूजी को तो अपने पक्ष में कर लिया, परंतु क्या इसी नीति से आप सेना भी खड़ी कर पाएंगे? उचित कहा आपने बापा जी। और यदि राजकोष को खाली करके सेना ले भी आए तो बिना धन के उसे कैसे रोक सकेंगे? क्षमा कीजिए, हम अभी उपस्थित होते हैं। हद हो गई, बीच मंत्रणा के बुला लिया, ऐसा नहीं कहा सर। मां से बराबर चला आओ पन। मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए। जो सेना मात्र धन के लिए युद्ध करे, हमें वो सेना नहीं चाहिए। ये मिट्टी हमारी माँ है, अनि माँ की रक्षा किराए के सिपाही नहीं उसके बेटे करते हैं। इस मिट्टी ने वीरों को जन्म देना भी बंद नहीं किया। हम उन वीरों को ढूंढेंगे जो मातृभूमि के लिए मिटने को तैयार हो, धन के लिए नहीं। वैसे ये तथाकथित वीर आपके बेटे जैसे ही होंगे या उससे भी गए गुजरे? एक बात बताइए बालाजी, राज्य और तारा रानी साहेब की सेना को आप इन बालकों की सेना के साथ पराजित कर पाएंगे? बालाजी, पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोने जैसा दिखता अवश्य है, पर होता नहीं। पेशवाई मिलने पर आप और आपकी पत्नी सातारा के प्रथम परिवार बन अवश्य गए हैं, पर है नहीं। आपकी एक भी चूक, एक भी नाकामी आपके ऊपर से सोने का पानी उतार देगी। ऐसे धन लुटाते रहे, दान करते रहे तो दान देने की नहीं दान लेने की स्थिति आ जाएगी हम पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि इस बार अपने घाटे का सौदा किया है? इस समय यहाँ आक्रमण हो जाता है तो बिना सेना की हमारी रक्षा कैसे होगी? जब तक शाहूजी महाराज के पास धनाजी जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ थे तब तक ठीक था, लेकिन अब वो नहीं रहे। अरे बालाजी, वो तो उनकी परछाई मात्र भी नहीं है। आहो, हमारे रानी साहब के साथ बहुत पुराने और अच्छे व्यक्तिगत संबंध रह चुके हैं और उन संबंधों का प्रयोग कर हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आप पर यदि आपने निर्णय लेने में समय लगाया तो जिस प्रकार आपके हाथों से धन जा रहा है उसी प्रकार ये अवसर भी चला जाएगा। बाजी, बाजी, क्या कर रहा है तू? उठ। बाजी, क्या कर? बाजी, बाजी उठ। काहे कर तुसे? काहे है? गुस्से में आकर मैंने नारियल तोड़ दिए, पर मैं तो बालक हूँ, अनुभवी हूँ। पर आप सब तो मुझसे बड़े हैं ना, सयाने हैं, बुद्धिमान है, अनुभवी है, पर क्या आप में से कोई ऐसा है जो नारियल को वापस जोड़कर पहले जैसा बना दे? संकट के समय किसी का मनोबल, किसी का उत्साह तोड़ देना इस नारियल तोड़ देने जितना ही सरल है। बाजी चुप हो जा। ताना मारने के लिए मन में साहस नहीं, बस मुंह में जुबान और मन में घृणा चाहिए। पर संकट में किसी का साथ देने के लिए, संकट को पराजित करने के लिए मन में साहस, दृढ़ता और बुद्धि तीनों चाहिए। यदि संकट में समाधान देने की जगह आप सब मात्र आलोचना ही करते रहेंगे
तो आप में और चंद्रसेन में क्या अंतर आ जाएगा? बाजी बास, चंद्रसेन ने सेना तोड़ दी आणि तुम्ही मनोबल तोडलं। ये पूजा यहाँ के समाज में अपना स्थान बनाने के लिए रखी थी, पर अब इस पूजा का कोई अर्थ नहीं रह गया। मेरे बाबा के नेतृत्व में 40 सामान्य मराठों ने 4000 मुगल सैनिकों को पराजित किया था। बस बाजी बस। सबने कहा था कि असंभव है, पर वो योद्धा ही क्या जो असंभव को संभव ना करे। युद्ध सेना से, नीति से जीते जाते हैं, बाल हट से नहीं। जो हटी नहीं वो मराठी नहीं। बस जब बड़े बात कर रहे हो तो बालकों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझाइए इसे बालाजी। ये बालक आयु में अवश्य कम है, पर साहस में, वीरता में और बुद्धि में किसी से कम नहीं। ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है, और आप तो सदैव कहते हैं कि धर्म की जीत हो अधर्म का नाश हो, पर आप ये भूल जाते हैं कि पांडव मात्र 5 थे जो 100 कौरवों पर भारी पड़े थे। कौरवों के पास सेना थी, शस्त्र थे, पांडवों के पास एकमात्र सत्य था जो साहू जी महाराज के पास भी है, और सत्य कभी नहीं हारता। हम शाहू जी की सहायता का हर संभव प्रयास करेंगे। मनुष्य का हठ जब पक्का हो तो स्वयं भगवान भी उसके सामने झुक जाते हैं। कुल की सभ्य सुशील कन्या ऐसा व्यवहार नहीं करती। चल। इंद्रदेव की कृपा से
हम समय रहते सेना तो खड़ी कर लेंगे बालाजी, पण महाराज, पण उस सेना को बनाए रखने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, यानी महाराज जी के पास उतना अधिक धन नहीं है। हमें वचन दीजिए कि आप शाहू जी महाराज को एक कौड़ी भी नहीं देंगे, सारा धन काशी की विवाह के लिए बचाकर रखेंगे। वचन दीजिए हमें। हम वचन देते हैं महाराज। हमारे पास जो भी शेष पूंजी है वो हमारी पुत्री काशी के विवाह के लिए है। देश के लिए हम अपना सर्वस्व दे दें, किंतु हम एक पिता भी हैं, और यदि हमें हमारी पुत्री के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना है तो हमें अपनी हैसियत बनाए रखनी होगी। काशी, आज से तू नंदिनी के साथ घर पे रुकेगी, कड़ला? तो वैसे ही तुम्हारे बाबा के कारण हमें इस घर के असभ्य छोटे और गवार लोगों के साथ समय बिताना पड़ रहा है, पर तुझ पर इसका प्रभाव पड़ने नहीं देंगे। अरे तू इनको बारिश में भीगता देख तेरा मन मचल पड़ा, कल ये मेंढक की तरह टटर करेंगे तो तू पण करना का हो। शिव भाई, काशी बच्ची है, जाओ ध्याना। आप पेशविन भाई अवश्य हैं, पर हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का अधिकार आपको नहीं है। आपने स्वयं अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए? ये तो आई के दिए हुए संस्कार ने मुझे अब तक रोक कर रखा था, वरना ये उत्तर आपको बहुत पहले मिल गया होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारी आई को कौन सा उत्तर देते? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। पर हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। तुम स्वयं को समझते क्या हो? तुम पेशवा के पुत्र हो तो किसी से कुछ भी कहोगे? मेरे बाबा के पेशवा बनने के बाद मात्र बाहर वालों के व्यवहार में बदलाव आया है, पर हमारे नहीं, क्योंकि हम रिश्ता दिल देखकर जोड़ते हैं, वही खाता देखकर नहीं। राव दे काशी, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो वस्त्र हमारे ही गंदे होंगे। चल। सही कहा आई, हम ऐसे वैसों के मुंह नहीं लगते। चल। रुको, शायद तुम्हारा कुछ गिर गया है। ये लो, तुम्हारी सोच नीचे गिरी हुई मिली थी। हाँ, हम अपनी मिट्टी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मिट्टी और संस्कृति लोगों को बड़ा बनाती है, छोटा नहीं। समय बदल रहा है, आप भी अपनी सोच बदल लीजिए। चल आई। पाजी, पाजी, आज के बाद हम इस घर में पांव तक नहीं रखेंगे। चल। हम समझ सकते हैं आज, हम भी एक पुत्री के पिता हैं, यानी पुत्री का विवाह पिता का सपना होता है। हम आपसे धन मांग सकते हैं पर आपका सपना नहीं। महाजी, यदि ऐसा हो कि आप अपने धन का प्रयोग हमारी सेना के लिए करें, यानी आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हम ढूंढें। महाराज, यदि महाराज जी को आपत्ति ना हो तो हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढेंगे। यदि हमारी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का दायित्व स्वयं महाराज ले रहे हैं तो हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है?
तो आप चिंता मत कीजिए, हमने आपकी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ लिया है। महाराज, हम चाहते हैं कि आपके और बालाजी के बीच राजनीतिक संबंध अब पारिवारिक हो जाएं। इसीलिए हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि आपकी पुत्री काशीबाई का विवाह बालाजी के पुत्र बाजीराव से हो। आईने गलती से दो बड़ी बड़ी मिर्चियां भी तल दी है। पता नहीं किस बेचारे के मुंह में वो मिर्ची वाली भजी आएंगी। अरे गोठिया, तू घाबरो ना कुछ, मी आए ना। दे इकड़े दे, मी खाऊं बकतो। हाँ। ये मिर्ची वाला भजिया नहीं था, दूसरी की। ये भी नहीं था। ये भी नहीं था। काकू बगाना, बाजी मेरी सारी भजिया खा गया। आई खाने देना। जब तक तू जाकर शिवबाई से क्षमा नहीं मांगता, तुझे खाना नहीं मिलेगा। पर आए, उन्होंने तेरा अपमान किया था। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मेरा अपमान नहीं हुआ बाजी, पर उनके कुछ कहने पर तूने जो अपनी मर्यादा तोड़ दी उससे मेरा अपमान हुआ। अपनी संतान के आचरण से आई का सम्मान या अपमान तय होता है बाजी। आई तो भाव के ही पीछे क्यों लगी रहती है? झगड़ा तो उस काशी ने शुरू किया था। चुप कर भाव की चमची, तुझे क्या पता झगड़ा किसने शुरू किया था? क्योंकि मुझे भाव पर विश्वास है। बिना देखे आपने भगवान को देखा है? नहीं, पर उन पर विश्वास करते हो ना? हाँ, तो बस ऐसे ही मैं भी आग बंद करके अपने भाव पर विश्वास करती हूँ। यदि भाव ने लड़ाई की होगी तो किसी सही काम के लिए की होगी। इस परिवार में कितना प्यार है ना कोटिया, सब एक दूसरे से नहीं एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। आई, शिव भाई ने दरबार में तेरा उपहास किया था, फिर पूजा में भी तुझे बातें सुना रही थी, तो मैं शांत कैसे रहता? चिमना, समझा दे अपने भाव को, उसे अपनी आई की आज्ञा का पालन करना होगा। इस घर के बच्चे बड़ों से और विशेष करके किसी नारी से इस तरह बात नहीं करते। भीयू, तू भी आई से कह दे कि इस घर के बच्चे किसी की भी गलत बात नहीं सुनते, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। समझा दे इसे चिमना कि सही बात अगर गलत जगह और गलत समय पर बोली जाए तो उसे सही नहीं माना जाता। इसे अपनी आई की आज्ञा का पालन करना होगा, जाकर शिवबाई से क्षमा मांगनी होगी, वरना मैं ये समझ लूंगी कि शिवबाई सच कह रही थी और मेरी ही परवरिश में खोट है।
ठीक है आई, यदि तू चाहती है कि मैं शिवबाई से क्षमा मांगू तो मैं मांगूंगा, पर जैसे बात की थी उसके लिए, जो बात की थी उसके लिए नहीं। अब इस बरसात में मैं अकेला जाऊंगा क्या? नम्रता मिलाओ। ये तो नम्रता, ये तो